हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल बिग थिंग्स। आई एम डॉक्टर वाघ और आज हम बात करेंगे कोविड से रिलेटेड 6 मिनट वॉक टेस्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 मिनट चलने के टेस्ट के बारे में। अगर आप कोविड पॉजिटिव है, क्वारंटाइन है और आपको डर लग रहा है कि मुझे अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मुझे बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का बेड मिलेगा, मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि मिलियन थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं और वीडियो में बताई गई हुई इंफॉर्मेशन अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह 6 मिनट वॉक टेस्ट या 6 मिनट चलने की टेस्ट हमें ये बताती है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद आपके फेफड़े की कंडीशन हेल्दी है या नहीं है। तो इस टेस्ट को करने से पहले जान ले कि आपको इसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा नापने वाला पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होती है। यह पल्स ऑक्सीमीटर आपके खून में होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा चेक करता है। आप इस टेस्ट को आपके घर में ही चलकर कर सकते हैं, आपको इसके लिए कहीं पर भी या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीदते हैं या आपके पास पहले से है, यह पल्स ऑक्सीमीटर हमें यह बताता है कि आपके खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो रही है, ठीक है, ठीक ही रह रही है, या आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कितनी जल्द ऑक्सीजन की ज़रूरत होने वाली है, ताकि आप सही समय पर अस्पताल पहुंचकर खुद को एडमिट करवा सकें। तो दोस्तों, चलो जानते हैं कि ये टेस्ट करना कैसे है। अगर आपको कोविड पॉजिटिव है और कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, या कोविड पॉजिटिव है और सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार ऐसे लक्षण हैं, या आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार ये लक्षण है लेकिन आप कोविड नेगेटिव है, फिर भी आप ये टेस्ट रोज़ाना करें। टेस्ट करने के लिए आपको पल्स ऑक्सीमीटर आपके हाथों के उंगलियों को लगाना है। आप लेफ्ट या राइट कौन सा भी हाथ ले सकते हैं और हाथ की कोई भी उंगली ले सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर उंगली को लगाकर उसमें आने वाली ऑक्सीजन की मात्रा जो प्रतिशत में दिखाई जाती है उसे चेक करें। फिर वह पल्स ऑक्सीमीटर हाथ में लगाकर ही आप टाइम लगाकर घर में 6 मिनट तक चलें। 6 मिनट तक चलने के टाइम ध्यान रखें, आपको फ्लैट सरफेस पर ही चलना है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, तो फ्लैट सरफेस पर ही चलें। चलते समय ये बात और ज़्यादा ध्यान में रखें कि आपको एंग्शियस होकर ज़्यादा धीमे धीमे या ज़्यादा फास्ट नहीं चलना है। आप जैसे रूटीनली चलते हैं वैसे ही रूटीनली चलें। 6 मिनट पूरे करने के बाद आपकी ऑक्सीजन की मात्रा आपको फिर से चेक करनी है। 6 मिनट चलने के बाद भी अगर आपकी ऑक्सीजन की लेवल कम नहीं हो रही है तो आपकी तबीयत, आपके फेफड़ों का हेल्थ एकदम सही है, एकदम अच्छा है, ऐसे समझ लें। लेकिन अगर आपको चलने पर थकावट महसूस होती है, सांस फूलने जैसा लगता है, चक्कर आती है या कमज़ोरी लगती है, तो आप यह टेस्ट दिन में 2-3 बार ज़रूर चेक करें। चलने से पहले जो आपकी ऑक्सीजन के प्रतिशत थे और चलने के बाद की जो आपकी ऑक्सीजन की प्रतिशत है, उसमें अगर 2-3% यानी प्रतिशत से गिरावट है या पहले से ही कम है
या 93% से ही भी कम है तो आपको ये टेस्ट दिन में 3 बार करती रहनी चाहिए, ताकि आपका ध्यान रहे कि आपकी खून में होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और आप सही वक्त पर हॉस्पिटल जा सके। दोस्तों, ऑक्सीजन की लेवल चेक करते समय ध्यान में रखें कि अगर यह ऑक्सीजन के प्रतिशत 93% से ज़्यादा है तो आपके फेफड़े हेल्दी कंडीशन में है, और 93% से कम होने लगी है या 93% से 1 या 2% कम आ रही है तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपको बैठे बैठे सांस फूल रहा है तो आप 6 मिनट चलने के बजाय 3 मिनट चल सकते हैं। अगर आपको इस टेस्ट के बारे में कोई भी शंका है तो आप कमेंट करके मुझे सवाल ज़रूर पूछिए। दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ताकि आप बिना बजाय हॉस्पिटल में जाके खुद को, अपने रिलेटिव को ज़्यादा एक्सपोज ना करें, ज़रूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाए। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स टू, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्मॉल बिग थिंग्स फॉर रेगुलर अपडेट्स। बाय बाय।